जानिए हनुमान जयंती की पूजा विधि मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। जी हाँ, इस साल कब मनाई जाएगी हनुमान जयंती, क्या है पूजा की विधि, सब कुछ आज मैं आपको विस्तार से बताने जा रही हूँ। हनुमान जी भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। हिंदू धर्म में उन्हें कलयुग का जागृत देवता माना जाता है। भक्त हनुमान जी की जयंती को उत्सव की तरह मनाते हैं। इस दिन बजरंग बली की पूजा पाठ की जाती है। पंचांग के अनुसार हनुमान जी की जयंती चैत्र पूर्णिमा पर पड़ती है। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 23 अप्रैल सुबह 3:25 से हो रही है और इस तिथि का समापन 24 अप्रैल को सुबह 5:18 पर होगा। इस तरह हनुमान जयंती मंगलवार को यानी 23 अप्रैल को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार 23 अप्रैल को हनुमान जयंती है। इस दिन पूजा के लिए हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर, साथ में लाल फूल, सिंदूर, अक्षत, फल, माला, चमेली का तेल, गाय का घी, दीपक, पान का बीड़ा, लाल लंगोट, बूंदी के लड्डू या बेसन के लड्डू, खासकर मोतीचूर के लड्डू जरूर लीजिएगा, वो हनुमान जी को पसंद है, और हनुमान जी का ध्वजा, खड़ाऊ और जनेऊ उनके चरणों में स्थापित कीजिएगा। अब बताते हैं कि पूजा पाठ करनी कैसे है। देखिए, हनुमान जयंती के दिन की शुरुआत अनुष्ठानिक स्नान से करनी है। इसके बाद भक्त हनुमान जी के मंदिर जाएं या फिर घर पर ही हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करके या तस्वीर के आगे उनकी पूजा करें। इसके लिए हनुमान जी की प्रतिमा पर आप सिंदूर भी जरूर लगाएं, क्योंकि हनुमान जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है। इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य हनुमान जी को अर्पित करें और मंत्र पढ़कर उनका पूजा पाठ करें। इसके बाद हनुमान चालीसा, हनुमान जी की आरती और बजरंग बाण का पाठ भी जरूर करें, इससे आपको हनुमान जी की कृपा जल्दी प्राप्त होगी। कई लोग इस दिन हनुमान जी के लिए उपवास भी करते हैं। इसी के साथ अब आप हनुमान जी को प्रसन्न किस प्रकार करेंगे, तो आइए मैं आपको कुछ मंत्रों का जाप बताती हूँ जिनको करने से आप हनुमान जी को जल्दी खुश कर सकते हैं। जी हाँ, वे मंत्र हैं ओम श्री हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप आप पूजा के दौरान कर सकते हैं। इसी के साथ ओम एम भ्रीम हनुमंते श्री राम दूताय नमः मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक मंत्र और है, जैसे कि ओम आंजनेय विद्यमय वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमंत प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करके भी आप अपनी पूजा को संपन्न कर सकते हैं और हनुमान जी की कृपा का पात्र बन सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। धन्यवाद।